नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली पोस्ट। मैं हूं रवीश शर्मा। बड़ी खबर इस समय आ रही है पंजाब के अमृतसर से, जहां पर आपको बता दें कि एक निरंकारी भवन जो है वहां पर आतंकवादी हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग जो हैं वो घायल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर आतंकवादी हमले में 3 लोगों मृत्यु हो चुकी है और 10 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमृतसर के राजा सांसी गांव में एक निरंकारी जो भवन था वहां पर सत्संग चल रहा था, क्योंकि आज एतवार का दिन था और काफी भीड़ वहां पर थी, जिसके बाद नकाबपोश थे वो एक मोटरसाइकिल पर वहां पर आए और हैंड ग्रेनेड जो था वो उनके द्वारा फेंका गया, जिसके बाद वहां पर भगदड़ थी जो मच गई, जिसके बाद 3 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और 10 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है वो इस समय आ रही है अमृतसर से, जहां पर एक आतंकवादी हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू से एक इनोवा गाड़ी जो थी टैक्सी, उसको हाईजैक करके पंजाब में ले जाया जा रहा था और ड्राइवर से बंदूक की नोक पर वो गाड़ी जो थी वो छीन ली गई थी और उसके बाद मोस्ट जो वांटेड आतंकवादी है जाकिर मूसा, उसको पंजाब में देखा गया था, जिसके बाद पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और आज अचानक जो अमृतसर के, फिर से आपको बता दें कि राजा सांसी गांव जहां पर है वहां पर संत निरंकारी आश्रम जो है वहां पर एक सत्संग चल रहा था, जिसके बाद 2 नकाबपोश लोग जो थे वो वहां पर आए और हैंड ग्रेनेड उनके द्वारा फेंका गया। आतंकवादी हमला वहां पर हुआ है, जिसके बाद 3 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो 10 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। फिर से आपको बता दें कि वहाँ पर जो राजा सांसी गांव है वो शहर से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं है और अभी तक पहचान जो हमला करने वाले लोग थे उनकी नहीं हो पाई है। फिर से आपको बता दें कि पंजाब को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया था, वहाँ पर जो चौकसी थी वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो उनको इनपुट ये मिले थे कि जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जाकिर मूसा, उसको पंजाब में देखा गया था, लेकिन अभी तक उस जाकिर मूसा जो है उसका पता नहीं चला है। और वहीं पर दूसरी खबर जो आ रही थी पंजाब से कि 5 से 7 की संख्या में जो आतंकवादी हैं वो पंजाब में घुस चुके हैं, कि जो कहीं भी गड़बड़ी जो है वो वहां पर फैला सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आज बड़ा हमला आतंकवादी जो हैं उनके द्वारा किया गया है, एक हैंड ग्रेनेड जो है वो अमृतसर के एक निरंकारी भवन जो है वहां पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया है, जिसके बाद 3 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और 10 लोगों के घायल होने का समाचार है। और फिर से आपको बता दें कि जम्मू से जो इनोवा गाड़ी 5 दिन पहले हाईजैक की गई थी, जैसे ही वो पंजाब बॉर्डर के पास पहुंची थी, पार पहुंची और उसके बाद बंदूक की नोक पर ड्राइवर जो है उससे वो गाड़ी छीन ली गई थी और उस गाड़ी का अभी तक कोई पता नहीं चला रहा है। वहीं जाकिर मूसा की अगर बात की जाए तो पंजाब में जाकिर मूसा को भी देखा गया था, लेकिन अभी तक जाकिर मूसा का पता भी नहीं चला है। और आज अचानक अमृतसर के जो राजा सांसी गांव है वहां पर एक आतंकवादी हमले में 3 लोग जो हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है और 10 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां पर आतंकवादी हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग वहां पर घायल हो गए हैं। सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं, तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है और हमलावरों को पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए, जैसे ही नई अपडेट आती है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अमित कुमार के साथ रवि शर्मा, अर्ली पोस्ट, जम्मू।